हम आ गए एक नई वीडियो के साथ। ये बेसिकली वीडियो इंस्टाग्राम ट्रिक्स के ऊपर हैक्स के ऊपर है जिनको आप यूज़ करके हाईलाइट हो सकते हैं दूसरों के सामने। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य, आप देख रहे हैं मैं यूट्यूब चैनल, पूरी लास्ट तक वीडियो देखिएगा। और हाँ, मैं भी इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ, ये रही मेरी आईडी, आप मुझे मेरा पीछा कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, करना चाहो तो कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप भी किसी बंदे या बंदी की स्टोरी देखना चाहते हैं बिना अपना नाम दिखाए? जी हाँ, ये पॉसिबल है। सबसे पहले आपको स्टोरी लोड हो जाने देनी है, फिर आपको अपनी इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद कर देनी है। आप जिससे इंटरनेट चला रहे हैं, वाईफाई से चला रहे हैं, वाईफाई बंद कर दीजिए, और या फिर इंटरनेट मोबाइल से चला रहे हैं तो मोबाइल का इंटरनेट बंद कर दीजिए। फिर सिंपली आपको उसका स्टोरी पे क्लिक करना है, स्टोरी देखिए, एंजॉय करिए, फिर रिसेंट से उसको इंस्टाग्राम को हटा दीजिए। ऐसे ही करते करते रिसेंट से हटाते हटाते आप सारी स्टोरी उसकी देख सकते हैं। ऐसा कोई बंदा ज़रूर होता है जो हमारी फ़ोटो पे नेगेटिव कमेंट जरूर करता है, तो उससे बचने के लिए आप सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको प्राइवेसी का ऑप्शन दिख रहा होगा, प्राइवेसी में जाने के बाद आपको एक कमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर ब्लॉक फ्रॉम दिस का ऑप्शन होगा। ब्लॉक फ्रॉम दिस मतलब दिस कोई भी हो सकता है, आप उस बंदे को सेलेक्ट कर लीजिए वहाँ से और उसको वहाँ चिपका दीजिए। वो कमेंट करेगा तो वो सिर्फ आपको देखेगी, किसी पब्लिक में शो नहीं होगी। कुछ आप नए तरीके से इंस्टाग्राम के स्टेटस को लगा सकते हैं, डिफरेंट फॉन्ट, डिफरेंट स्टाइल में। तो सबसे पहले आपको लिंगो जैम वेबसाइट में आना पड़ेगा, उसमें आप कुछ भी टाइप करेंगे तो 100 से ज़्यादा डिफरेंट फॉन्ट के स्टाइल में आ जाता है। वहाँ से आपको उसको कॉपी कर लेना, अपनी बायो में चिपकाना चाहे बायो में चिपका सकते हैं, या अपने स्टेटस में चिपकाना चाहे स्टेटस में चिपका सकते हैं डिफरेंट फॉन्ट की स्टाइल में, तो लुक अच्छा लगता है। इंस्टाग्राम में आपको फ़ोटो पे कुछ अच्छा सा लुक देना है या फिर कुछ अच्छी सी क्रिएटिविटी फ़ोटो पे लानी है, तो सबसे पहले अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए, फिर आप उस फ़ोटो के ऊपर वही पेंट वाला ऑप्शन करके उसके कलर का ऑप्शन होल्ड करिए और कोई भी डिज़ाइन बना लीजिए। और फिल्टर तो इंस्टाग्राम में है बहुत सारे, तो उसको यूज़ कर लीजिए। तो आपको ये जानना है कि मेरी प्रोफाइल कितने लोगों ने देखी है, कितने दिनों में देखी है, तो ये बहुत ईजी है। सबसे पहले आपको अपना पर्सनल अकाउंट से हटा के प्रोफेशनल अकाउंट पर जाना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स पर आना पड़ेगा। सेटिंग्स पर आने के बाद अकाउंट का ऑप्शन होगा, अकाउंट के ऑप्शन में जाने के बाद स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट का ऑप्शन देख सकते हैं वहाँ पे। फिर उस पर क्लिक करने के बाद आपको बिज़नेस या क्रिएटर के ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, तो आप बिज़नेस चूज़ करिएगा और आप कोई भी प्रोफेशन इसमें चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको तफरी के लिए मतलब ऐसे देखना है कि मतलब कितने लोगों ने मेरा प्रोफाइल देखा है, तो आप कोई भी चूज़ करके उसको सब सेटिंग वेटिंग सब इनेबल करके आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने मेरा प्रोफाइल चेक करा है। अगर आप टेक्स्ट स्टेटस लगा रहे हैं तो आपको उसका बैकग्राउंड कलर पसंद नहीं आ रहा है, तो सबसे अच्छा तरीका उसको चेंज करने का, आप वहाँ पे ऊपर पेंट का ऑप्शन देख रहे होंगे, उस पर क्लिक करिए और कोई भी कलर चूज़ करके स्क्रीन पे टैप करे रहिए, तो इससे आपके बैकग्राउंड चेंज हो जाता है कलर। कोई भी कलर आप लगा सकते हैं, सतरंगी अतरंगी कुछ भी आप लगा सकते हैं। किसी कोई भी आपको मेंशन कर देता है स्टोरी में, मतलब कोई भी कमेंट में मेंशन कर देता है, कोई भी पोस्ट में आपको कोई मेंशन कर देता है, उससे बचने का सबसे रामबाण तरीका है आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको वो प्राइवेसी का ऑप्शन बनाएगा। प्राइवेसी जाने के बाद आपको मेंशन का ऑप्शन आ रहा होगा। मेंशन में ऑप्शन में आप दो बड़ी कर सकते हैं, आप यू फॉलो बैक भी कर सकते हैं ऑप्शन पे, या आपकी चॉइस है, आप कोई भी इसमें चूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट स्टेटस लगाना चाहते हैं मेरी तरीके, तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से थ्रेड्स फ्रॉम इंस्टाग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा। बेसिकली इंस्टाग्राम का ऑफिशियल ऐप है, वहाँ से आप प्ले स्टोर से इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। आप एक क्लिक में इसमें लॉगिन कर लीजिए, फिर इसमें लिस्ट आती है, वो लिस्ट आपके क्लोज फ्रेंड की, आप इसमें जितने चाहे क्लोज फ्रेंड ऐड कर सकते हैं, उनको भी ऐड कर सकते हैं जिन्होंने आपको फॉलो किया हो, या आपने उनको फॉलो किया ना किया हो कोई मतलब नहीं है, आप किसी भी ऐड कर सकते हैं इसमें सर्च करके। तो लिस्ट में कंटिन्यू करके आप ऊपर टेलीग्राम जैसा या फिर एयरप्लेन जैसा आइकन आ रहा होगा वहाँ पे, उस पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी फ़ोटो दिखाई दे रही होगी, फ़ोटो और प्लस का निशान, वहाँ पे आप जाके क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी इमोजी बना सकते हैं, या मैं सयाना हूँ, मैं परदेश जाना चाहता हूँ, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, एनीवेज कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, तो सेट कर दीजिए और फिर देखिए आपका लिख के आ जाता है। इसकी अच्छी बात यह है कि अगर दूसरे बंदे ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा है तो उस बंदे को भी आपका स्टेटस दिखेगा जरूरी।